हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स इज मोज। दिस इज अर्चना चौहान एंड टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 7th। नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम लास्ट क्लास 6 में भी वी ऑलरेडी स्टडी अ लॉट्स ऑफ थिंग देयर। ओके, सो उन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। ठीक है, सो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप स्टडी करें तो एनसीईआरटी बुक रीडिंग पहले करें, उसके बाद आप बाकी बुक्स को प्रेफर करें। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस बी ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये सब कुछ हमें स्टडी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कुछ फिगर्स दिए गए हैं आपको। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि आइडेंटिफाई डिफरेंट लाइंस, लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स इन अ गिवन शेप। यहाँ पर जो शेप्स गिवन है उनमें आपको फाइंड आउट करने हैं। सो जस्ट क्विकली फाइंड आउट इन योर बुक, चेक करो कितने फिगर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं अगर सर्ट की बात करूँ तो दिस इज़ पैरेललोग्राम, ओके, एंड दिस इज़ रेक्टेंगल। ठीक है, एंड दिस इज़ स्क्वायर, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ दैन दिस इज़ ट्राइंगल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक किसी फिगर को फॉर्म करने के लिए हमें कितने सारे शेप्स की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ही अगर टेबल की बात करें तो दिस इज़ पैरेललोग्राम, ओके, एंड दीज ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके पास ये एक हेक्सागन है, तो हेक्सागन में आप चेक करो ये सभी क्या है, इक्वल मेजर के लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, इन सभी को ज्वाइन हमने कर दिया है तो हमें डायगोनल मिल गया है। ठीक है, बाकी देखो आप अगर ज्वाइन करते हो तो इसके अंदर में भी ये जो शेप मिला आपको दिस इज़ रेक्टेंगल, करेक्ट। अगर बाकी चेक करो तो इसमें आपको बहुत सारे फिगर्स मिल जाएंगे। अगर ये देखो तो ये क्या मिल रहा है आपको, एक ट्राइंगल मिल रहा है। ठीक है, तो बस मोटिव ये है यहाँ पर ये बात बताने का कि जो भी हम अपनी रियल लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ठीक है, उनका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो लाइंस, लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स का यूज़ करके हुआ है। ठीक है, सो अब यहाँ पर एक बात और समझो, जब भी टू लाइन सेगमेंट किसी भी पॉइंट पर सेम वर्टेक्स पर ज्वाइन करते हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखो हट में भी चेक कर सकते हैं, सी दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है आपको, करेक्ट, देखो एंड हर जगह आप देखो ये यहाँ पर दिस वन दिस। ठीक है, सो हर जगह आपको एक एंगल मिल रहा है। अब ये एंगल कितने होते हैं, 3 टाइप्स के हैं, ओके, या तो वो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल मतलब इट कैन बी लेस देन टू 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मींस इट कैन बी मोर देन 90 डिग्री, एंड स्ट्रेट एंगल इट कैन बी 180 डिग्री। ठीक है, या फिर थर्ड वन इट कैन बी अ राइट एंगल मींस 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल्स हमें पता चल गए। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो आगे चलते हैं, बात करते हैं लाइन सेगमेंट्स की। ठीक है, यहाँ पर 3 बातें हमने पढ़नी है। पहली बात कौन सी पढ़नी है, लाइन सेगमेंट। नाउ सेकेंड वन बात करनी है लाइन की, एंड थर्ड इज़ रे। ठीक है, सो लाइन सेगमेंट जब भी हम किन्हीं भी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, एक लाइन सेगमेंट मिलता है। सो वी कैन से अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, एंड इफ़ द टू एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट आर एक्सटेंडेड इन ईदर डिरेक्शन एंडलेसली वी गेट अ लाइन। ओके, सो अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, ओके, सो अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, बट अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड इट कैन बी एक्सटेंड्स इन ईदर डिरेक्शन एंडलेसली, और वी कैन से वी कैन एक्सटेंड अ लाइन इन बोथ द डिरेक्शन एंडलेसली। ओके, सो चेक करो यहाँ से क्या समझ आया, ये हमें मिला लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट एंड दिस इज लाइन। देख सकते हो दोनों तरफ हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अब जो थर्ड वन है दैट इज रे।
ठीक। अब इनका डिनोशन कैसे होता है, डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, जो लाइन सेगमेंट होता है जस्ट राइट टू एंड पॉइंट्स एंड पुट अ लाइन ओवर देयर, ओके। एंड इफ इफ़ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ लाइन सो इट कैन बी रिटन लाइक ए बी, एंड जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं ऊपर, ठीक है, इसमें दोनों तरफ आप एरो बनाएंगे, ठीक है। एंड बात करते हैं रे की, जो रे होता है, अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक तरफ आप कोई सी भी डायरेक्शन में इसको एंडलेस तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इट कैन ऑल्सो एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन ओनली एंडलेसली, ओके। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे, जस्ट राइट द नेम, लेट सपोज ओ पी, सो एंड मार्क इट लाइक दिस। Now, angles. Angle is formed. An angle is formed when lines or line segments meet. जब भी कोई line या line segment मिलते हैं तब क्या form होता है, angle form होता है. Take an example here. So, line segment AB and BC intersect at B to form angle ABC. देखो AB and BC अगर ये intersect हुए हैं B पर तो हमारे पास एक angle क्या मिल गया, ABC. अच्छा एक बात और बच्चों, जिस भी एंगल की बात कर रहे होते हैं उसको हम बीच में रखते हैं, मिडल में रखते हैं। जैसे ए बी की बात करें तो ए बी सी हमने यहाँ पे लिखना है, एंगल ए बी सी, दिस इज़ द वे टू रिप्रेजेंट एन एंगल, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज़ बी सी एंड ए सी को चेक करो, जो बी सी और ए सी है वो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बी सी ये है और ए सी ये है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी पर, सो एंगल क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ से, ए सी बी, एंगल ए सी बी, समझ गए कि यहाँ पर बीच में जो हो रहा है, ये जो जिस वर्टेक्स पे ये मीट होते हैं उसको हम सेंटर में लिखते हैं, करेक्ट। नाउ अगर ऐसे ही एंगल ए की बात करें तो ये कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करने से मिल रहा है, चेक करो, बी ए एंड सी ए, एंड एंगल कैन बी बी ए सी, ओके। नाउ बात करते हैं सेकेंड फिगर की, देर आर टू लाइन्स, देर आर टू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, ओके, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जब भी कोई दो लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं तो वो पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती हैं वो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पी क्यू और आर एस एक दूसरे को ओ पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इसका मतलब ओ क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को, लाइन ने एक दूसरे को कट किया है तो कितने नंबर ऑफ एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, चेक करो, वन एंगल, ओके, एंड टू एंड थ्री एंड दिस वन फोर, ओके। इन एंगल्स के अगर हम नाम लिखना चाहें तो एंगल एस ओ क्यू, ठीक है, एंगल क्यू ओ आर एंड इट विल बी एंगल आर ओ पी एंड नेक्स्ट वन एंगल पी ओ एस, ठीक है। इस तरीके से आप इनके एंगल्स लिख सकते हैं, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्या पॉइंट है, वाइल रेफरिंग टू द मेजर ऑफ एन एंगल ए बी सी वी शैल रिटन राइट एम एंगल ए बी सी एज सिंपली एंगल ए बी सी। तो कहीं बच्चों अगर आपको एम एंगल ए बी सी लिखा हुआ दिख रहा है या फिर आपको एंगल ए बी सी लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, सो दोनों का मीनिंग एक है। एम से मतलब होता है मेज़र, कि ये कितने मेज़र का है, ठीक है, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 80 डिग्री का है, वो हमें बताता है। तो आप एम लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, बट यहाँ पर ये वन मार्क क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे इस तरीके का पूछ लिया जाता है, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स इफ़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। सो जस्ट अंडरलाइन इट, व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे इन दोनों की बात करें तो ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, दोनों को प्लस करके देखो कितना मिल रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं,
ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ के लिए चेक करते हैं, चेक करूँ 35 + 65 करूँ कितना आ रहा है, येस यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, येस इट इज़ 5 + 5 = 10 = 100 हंड्रेड, ठीक है, तो इट इज़ मोर देन 90 degree, सो क्योंकि ये मोर देन 90 degree है दैट्स वाई दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है. नाउ चेक नेक्स्ट वन. अच्छा एक बात और यहाँ पर देखो, बहुत प्यारी बुक है एनसीईआरटी, ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा. इस लाइन को रीड करो, देखो, व्हेन एवर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेट टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल, ठीक है, जैसे एक था 30 degree, दूसरा था 60 degree, है ना, तो 30 degree को हमने 30 degree और 60 degree इनके जो भी मेजर थे, लेट सपोज ये एंगल ए बी सी था, ये एंगल पी क्यू आर था, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल पी क्यू आर इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए बी सी, और हम ये भी बोल सकते हैं एंगल ए बी सी इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है. एक लाइन और देखो यहाँ पर लिखी हुई है, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, 30 degree एंगल इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 60 degree एंगल एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब होता है आपने ये बात ऐसे बोली, अब इसको रिवर्स बोल दो, रिवर्स क्या होगा, 60 degree एंगल इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 30 degree, ठीक है, इस तरीके से. नाउ नेक्स्ट इज नाउ थिंक डिस्कस एंड राइट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर वन चेक करते हैं, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. उन्होंने बोला है कि क्या कोई भी दो एक्यूट एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी दो एक्यूट एंगल ले लो. लेट सपोज मैंने क्या किया, एक एंगल लिया 30 degree, ठीक है, दूसरा एंगल मैं ले रही हूँ 60 degree, ठीक है, दोनों को ऐड करूँ तो कितना मिलेगा, 30 degree + 60 degree = 90 degree, है ना, तो इन दैट केस व्हाट कैन वी से, 30 degree and 60 degree आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो व्हाट कैन वी से विद दिस स्टेटमेंट, येस टू एक्यूट एंगल, येस इट्स आंसर इज येस टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, करेक्ट. नाउ चेक फॉर क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू इज, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. क्या कोई दो ऑब्ट्यूज एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हुआ, एन ऑब्ट्यूज एंगल हैज इट्स मेजर ग्रेटर देन 90 degree. ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो कि 90 degree से ज़्यादा होता है. तो बेटा अगर आपने एक एंगल 90 degree भी ले लिया, ठीक है, तो दूसरा आप कितना भी 90 degree से ज़्यादा ही लोगे, क्योंकि हम ऑप्टिक्यूज एंगल की बात कर रहे हैं, है ना, आपने ले लिया 110 या समथिंग कुछ भी आपने लिया, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा 90 degree से, जबकि कॉम्प्लीमेंट होने की क्या कंडीशन है कि ये इन दोनों का सम इक्विवेलेंट टू 90 degree होना चाहिए, ठीक है, इसलिए व्हाट कैन वी से, एन ऑब्ट्यूज एंगल हैज़ इट्स मेजर ग्रेटर देन 90 degree, सो सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी इक्वल टू 90 degree, ओके, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, सो इट्स आंसर इज सिंपली नो. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री चेक करिए, कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. राइट एंगल्स की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, एक हुआ 90 degree आपने लिया, तो दूसरा भी 90 degree होगा, दोनों का प्लस तो बेटा 180 degree हो गया, सो इट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है, सो टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, जस्ट राइट नो, ठीक है. तो समरी ऑफ द स्टोरी यहाँ पर क्या होगी, जो फर्स्ट वाला है, येस टू एक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एंड नो टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एंड इन द सेम वे टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. Now try these. Which pairs of following angles are complementary? तो complementary check करने के लिए हमारे पास एक condition है कि दोनों angles का sum कीजिए. अगर वो 90 degree के equivalent आता है then we can say these two angles are complementary. So check it. 70 + 20 कितना होएगा? It is 90 degree. ठीक है. So it is equivalent to 90 degree. So these two angles are complementary.
ठीक है. नाउ चेक फॉर सेकेंड, 75 + 25 8 दाम, सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 10, 7 + 3 100. ओके, दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 90 degree. तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा. ठीक है. नाउ चेक फॉर दिस, 48 + 72 ऐड करिए, 8 + 2 10 एंड 7 + 4 11 + 1 150 degree. नाउ पार्ट थ्री, 48 + 52 इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं देन यू विल गेट 8 + 2 10 0 कैरी 1 6 + 4 10. ओके, सो दिस इज 100, दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 90 degree. सो एंगल्स 48 degree एंड 50 degree 52 degree आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, सो इट्स आंसर इज नो. नाउ चेक फॉर नेक्स्ट वन, 35 degree एंड 55 degree. ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 90 degree. सो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो इट्स आंसर इज येस. नाउ चेक फॉर क्वेश्चन नंबर टू, वॉट इज़ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. तो इसके लिए सिंपली फॉर्मूला है कि लेट द कॉम्प्लीमेंट बी एक्स. ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 degree बी एक्स. ओके, देन इन दैट केस एक्स प्लस 45 degree शुड बी इक्वल्स टू 90 degree. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू 90 degree माइनस 45 degree, सो एक्स इक्वल्स टू 45 degree. ठीक है, दिस इज़ योर आंसर. सो यू कैन से कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 degree इज़ 45 degree. नाउ फॉर नेक्स्ट वन, 2nd पार्ट इसका डायरेक्टली मैं यहाँ निकाल रही हूँ, इट इज़ 90 - 65. ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 25 degree. ठीक है, नाउ फॉर 41 चेक कर लेते हैं, सो इट इज़ 90 - 41. ठीक है, सो ये x मैं मान चुकी हूँ यहाँ पे कि x क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, राइट. सो यहाँ पर वैल्यू होगी 90 - 41, इट इज़ 49 degree, करेक्ट. एंड फॉर 54, सो x इक्वल्स टू 90 - 54, सो ये हो जाएगा 90 - 54, ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 36 degree. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 degree, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल. ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका जो डिफरेंस है वो 12 degree है, तो हमें उनके मेजरमेंट फाइंड करने हैं. लेट वन एंगल बी एक्स. ठीक है, सो एंड इट इज़ गिवन टू अस द डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 के इक्वल है. ठीक है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, अदर एंगल इक्वल्स टू एक्स प्लस 12. ओके, सो अब उसने क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल. अगर दोनों एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होना चाहिए. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x + 12 इक्वल्स टू 90 degree. ओके, एंड यहाँ से मिलेगा 2x + 12 इक्वल्स टू 90 degree एंड 2x इक्वल्स टू 90 degree माइनस 12 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये सब्ट्रैक्शन के बाद में, 78. सो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हमें मिलेगी
एक्स इक्वल्स टू 78 वाई टू, सो 39 डिग्री, ठीक है। सो एक्स हमें मिल गया 39, तो हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि जो फर्स्ट एंगल है वो कितना था, वन एंगल हमारा कितना था, एक्स था, तो इट ये हो जाएगा 39 डिग्री, और जो दूसरा एंगल है वो कितना होगा, 39 प्लस 12, सो इट वुड बी 51 डिग्री। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ चेक द डेफिनेशन, इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी दो एंगल्स हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं और वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है, देन दीज टू एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री। और वी कैन से वेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन ईच एंगल इज सेट टू बी सप्लीमेंट ऑफ द अदर वन। ओके, नाउ चेक दीज टू एंगल्स हियर, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, ऐड देम, सो इट दीज सम इज 180 डिग्री, सो दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। नाउ चेक इट, 68 डिग्री प्लस 112 डिग्री, इट विल गिव अस 2 टाइम्स एंड 8, ठीक है, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा अभी तो इसमें थर्ड एंड फोर्थ भी हैं, चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 100 प्लस 80 क्या मिला, 180, ठीक है, तो ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। चेक करते हैं, 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऑन एडिंग दम, 5 प्लस 5 10 एंड 8 1, ये भी सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन यहाँ पर गिवेन है, जस्ट अंडरलाइन इट। यहाँ पर एक बात हमने नोटिस की है, जो सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन ईच ऑफ द आवर पेयर्स कम्स आउट टू बी 180 डिग्री, सो सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस तरीके के जितने भी पेयर्स होते हैं वो वन सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। एंड वन मोर थिंग, When two angles are supplementary, each angle is said to be the supplement of the other. Now, think, discuss and write. Question number one, can two obtuse angles be supplementary? बात करें, क्या कोई दो ऑब्ट्यूज एंगल्स हम लेते हैं तो उनका सम करें तो वो सप्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे? तो एक ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर कितना होता है, इट इज़ मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। एंड सम ऑफ टू एंगल्स ईच मोर देन 90 डिग्री इज़ मोर देन 180 डिग्री, ठीक है। अगर आप 91 और 91 भी लेंगे तो भी ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स स्टेटमेंट इज फॉल्स, यू कैन से नो टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो इट्स आंसर इज नो। नाउ नेक्स्ट वन, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? एक्यूट एंगल जो होते हैं दैट इज लेस देन टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री में अगर आप 89 डिग्री भी लोगे तब भी उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। और यू कैन से द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री, सो द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, सो इट्स ऑल्सो इज़ इट्स आंसर इज ऑल्सो नो। नाउ नेक्स्ट वन, कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? यस ऑफकोर्स, अगर एक राइट एंगल हम ले रहे हैं तो उसका जो मेजर होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। सम ऑफ टू राइट एंगल्स विल बी 180 डिग्री, दैट्स व्हाई टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो इट्स आंसर इज यस। नाउ फाइंड द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, जस्ट ऐड दम, 110 प्लस 50 डिग्री, on adding this we are getting 160 degree, that is not equivalent to 180 degree, okay। तो ये दोनों पेयर
सप्लीमेंट्री नहीं है, चेक करते हैं इसको। 105 डिग्री प्लस 65 डिग्री, ठीक है, तो ये टैन हुआ 170 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या है, 180 के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई इट्स आंसर इज ऑल्सो नो। नाउ थर्ड पार्ट, 50 डिग्री एंड 130 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, ओके। सो 50 डिग्री एंड 130 डिग्री आर अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ फोर्थ वन, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल है, दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। सो 45 डिग्री एंड 45 डिग्री आर नॉट अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। सो जस्ट लेट द एंगल, लेट द सप्लीमेंट बी एक्स, ठीक है, सभी ऑप्शंस के लिए मैंने एक्स इसको लेट कर लिया है, ठीक है। तो 100 की अगर बात करें तो 180 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इसका सप्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 100, ठीक है, सो एक्स इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है, दिस इज ऑप्शन वन। नाउ सेकेंड के देख लिए 90 डिग्री है, सो एक्स विल बी 180 माइनस 90 डिग्री, सो एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ थर्ड वन, इट विल बी एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, सो एक्स इक्वल्स टू 125 डिग्री, ओके। एंड लास्ट वन, x इक्वल्स टू 180 माइनस 125, सो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हमें मिलेगी 55 डिग्री, ठीक है। सो दीज आर द सप्लीमेंट एंगल्स ऑफ ऑल द ऑप्शंस, करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर, फाइंड देयर मेजर्स, ओके। सो देखो यहाँ पर दो एंगल्स की ये बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो लार्जर एंगल है वो 44 डिग्री ज़्यादा है स्मॉलर एंगल से, ठीक है। सो उनके मेजर्स निकालने हैं, कितने कितने डिग्री के हैं ये हमने बताना है, ओके। सो जस्ट लेट लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स, ठीक है। तो लार्जर एंगल कितना हो जाएगा, लार्जर एंगल क्योंकि वो 44 डिग्री ज़्यादा है कितने से, स्मॉलर एंगल से, सो इट वुड बी एक्स प्लस 44 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स कैसे बोले गए हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोले गए हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 44 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 44° इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री, ओके। सो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 144, 180 डिग्री माइनस 44 है, इट्स नॉट 144, जस्ट वेट, ठीक है। सो यहाँ से मिलेगा 136 डिग्री। नाउ एक्स इक्वल्स टू 136 डिग्री अपॉन 2, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 68 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारा स्मॉलर एंगल था वो आ गया 36 डिग्री एंड ग्रेटर एंगल विल बी लार्जर एंगल, कितना हो जाएगा 68 डिग्री प्लस 44 डिग्री,
ओके, तो इट विल बी 112 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ओपन अ बुक इट लुक्स लाइक द अबव फिगर. ठीक है, जब भी आप अपनी बुक ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से उसके पेजेस दिखाई देते हैं. एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट, ए एंड बी, है ना, ये ए बनेगा और ये वाला बी बन जाएगा एंगल, करेक्ट. एंड दूसरी बात है, यहाँ पर लुक एट दिस स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार, एट द सेंटर ऑफ द व्हील यू फाइंड थ्री एंगल्स बीइंग फॉर्म्ड. अगर यहाँ से चेक करो तो एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है एंड दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, तीन एंगल्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं. ठीक है, तो एडजेसेंट से क्या मतलब है. ठीक, तो कुछ लाइंस यहाँ पर दी हुई हैं जिनको आपको नोट डाउन करना है. एट बोथ द वर्टिसेस ए एंड बी बी फाइंड अ पेयर ऑफ एंगल्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर. एक एंगल के बाद दूसरा एंगल होना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल उसके बाद में. ठीक है, क्या किस क्या कंडीशंस हैं. दीज एंगल्स आर सच दैट दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. उनके उनकी जो वर्टेक्स होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए. एंड दे हैव अ कॉमन आर्म एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. ठीक है, लेट सपोज मेरे पास ये एक एंगल्स हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर लेट सपोज ओ बी सी, तो यहाँ पर जो ये एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स है. क्यों, क्योंकि ये सेम वर्टेक्स ओ को शेयर करें, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. एंड बात करते हैं हैव अ कॉमन आर्म, अगर यहाँ पर ए बी की बात करें तो बी ओ सी ये वाला एंगल एंड ए ओ बी ये वाला एंगल एक कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म ये जो है ओ बी, इसको कॉमन आर्म इन दोनों के पास है ओ बी. दूसरी बात है द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. जो नॉन कॉमन है इसमें नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन सी हैं, ओ सी एंड ओ ए. ठीक है, ये दोनों कैसी आर्म्स हैं जो कि इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ हैं, एक इस साइड में है और दूसरा इस साइड में है. ठीक है, सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. इस तरीके के जितने भी एंगल्स होते हैं उनको एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है. एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट. ठीक है, कॉमन आर्म होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा, बट कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा. तो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, कुछ ट्राई दीज हैं यहाँ पर, उनको सॉल्व करते हैं. ट्राई दीज, क्वेश्चन नंबर वन, आर द एंगल्स मार्क्ड वन एंड टू एडजेसेंट, इफ दे आर नॉट एडजेसेंट से व्हाई. यहाँ पर हमें बताना है जो एंगल वन एंड टू है क्या वो एडजेसेंट हैं, और अगर वो एडजेसेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, रीज़न हमने देना है यहाँ पर. सो फर्स्ट के लिए बात करते हैं, एंगल वन एंड एंगल टू आर एडजेसेंट एंगल्स. वाई, बिकॉज दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. ओके, सो इट्स आंसर इज येस. चेक करो, इसमें कॉमन आर्म हमारे पास है, सेम वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, नॉन कॉमन आर्म्स भी कॉमन आर्म के दोनों तरफ है, तो ये भी क्या होगा, येस. ओके, नाउ थर्ड वन, यहाँ पर ना तो वर्टेक्स हमारा सेम है, वर्टेक्स क्या है, डिफरेंट है, सो दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. व्हाई, बिकॉज दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स. थिंक, डिस्कस एंड राइट. क्वेश्चन नंबर वन, कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री. पूछा गया है कि क्या कोई दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर वन के लिए लेट सपोज मेरे पास ये एक यहाँ ये आप वर्टेक्स बना दीजिए, लेट सपोज ये एंगल है, मान लिया कि ये 60 डिग्री है एंड दिस वन 120 डिग्री. ठीक है, तो चेक करो, मानो कि ये जो रे है वो बी है, करेक्ट, कुछ इस तरीके से. ओके, सो चेक करो यहाँ पर, अगर मैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए
BOC करती हूँ, सो इट इज़ 60 डिग्री, AOB 120 डिग्री है। 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। सो इट्स आंसर इज़ येस येस, टू एडजेसेंट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। ओके नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर टू, कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री? क्या दो एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? सो अगेन ड्रॉ अ डायग्राम। ओके जस्ट नेम इट क्यू पी आर एस, ठीक है। मान लिया कि ये 20 डिग्री है और जो ये वाला एंगल है ये हमारा 70 डिग्री है, ठीक है। नाउ ऐड दम, और एडिंग दीज टू एंगल्स वी आर गेटिंग 90 डिग्री, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन से दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सो कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री? सो वी कैन से येस, टू एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी एडजेसेंट एंगल्स? ओके सो एज यू कैन सी इन द फिगर देर आर टू एंगल्स, 105 डिग्री एंड 110 डिग्री। दीज टू एंगल्स आर हैविंग कॉमन वर्टेक्स ओ एंड कॉमन रे ओ सी एंड नॉन कॉमन आर्म्स ओ डी एंड ओ बी। ओके सो ऑन एडिंग दीज टू एंगल्स so you can see here 105 degree and 110 degree, these two angles are obtuse angles. Okay, question number 4, can an acute angle be adjacent to an obtuse angle? So its answer is yes. As you can see in the figure, angle 1 and angle 2 are adjacent angles and angle 1 is acute angle and angle 2 is obtuse angle, theek hai. Right, so yes, acute angle can be adjacent to an obtuse angle. Now next topic is linear pair. So underline this line, a linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. Linear pair of adjacent angles, लीनियर पेयर उस पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स को कहा जाता है जिनमें जो नॉन कॉमन साइड्स होती हैं वो अपोजिट रेज होती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर एंगल वन और एंगल टू की हम बात करें तो क्या ये लीनियर पेयर हैं? चेक करो, येस यू कैन राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। सो ऑब्जर्व दैट अपोजिट rays which are the non common sides of angle 1 and angle 2 form a line. So angle 1 plus angle 2 it will give us 180 degree, theek hai. So this is a linear pair, theek hai. Now next one, in second diagram angle 1 and angle 2 are not forming linear pair because these two angles are acute angles. Okay, now just read this line, a pair of supplementary angles form a linear pair when placed adjacent to each other. Okay, now check these two examples here, a vegetable chopping board, the chopping blade makes a linear pair of angles with the board. Okay, and a pen stand, the pen makes a linear pair of angles with the stand. Now think, discuss and write, can two acute angles form a linear pair? ये पूछ रहे हैं क्या दो एक्यूट एंगल्स मिलकर कोई लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं? एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री अगर हम कोई भी दो एंगल्स लेते हैं तो उनका सम कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा। लीनियर पेयर से मतलब है कि इट
should be equal to linear pair, means कि अगर हमारे पास दो angles हैं तो उनका sum कितना होना चाहिए, 180 degree होना चाहिए, ठीक है. तो जो acute angles हैं that are less than 290 degree, और you can say the sum of the measures of two acute angles is less than 180 degree because measures of each acute angle is less than 290 degree, okay, so it's not possible. Now second is, can two obtuse angles form a linear pair? Obtuse angle means which is greater than 290 degree. So sum of the measures of two obtuse angles is more than 180 degree. That's why no, two obtuse angles cannot form a linear pair. Now third question, can two right angles form a linear pair? Yes, it can be. Why? Because the sum of two right angles is 180 degree. Now try these, check which of the following pairs of angles form a linear pair. ठीक है, तो linear pair की condition हमें पता चल गई है कि अगर किन्हीं दो भी दो angles का sum किया जाए और उनका result 180 degree आता है तो हम उनको बोलेंगे कि that is a pair, linear pair. Okay, check करिए. So 140 plus 40 degree, it is equivalent to 180 degree. That's why it's a pair of angles forms a linear pair. Now check for second one, 60 plus 60 equivalent to 180 degree, 120 degree, which is not equals to 180 degree, so it cannot be. Okay, now third is 90 plus 180 degree, add them, 90 plus 80 degree, so it can be 170 degree. ठीक है, that is not equivalent to 180 degree, so it's also not possible. Now next one is 65 degree and 115 degree, so add them, 65 degree plus 115 degree equals to 180 degree, so it can be. ठीक है, next topic is vertically opposite angles. When two lines intersect, the two pairs of angles formed without any common arm are called vertically opposite angles. Okay, so when two lines intersect, the vertically opposite angles so formed are equal. As you can see here, there are two pencils which are intersecting to each other at point O. So there are फोर एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात की जा रही है, तो देर आर फोर एंगल्स, एंगल वन टू थ्री एंड फोर. ओके, तो अब इसमें से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे वो हमने चेक करना है. ठीक है, सो जस्ट सी इट, एंगल वन अपोजिट टू एंगल थ्री एंड एंगल टू अपोजिट टू एंगल फोर. दीज टू एंगल्स, एंगल वन वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल थ्री के, ठीक है, एंड एंगल टू वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल फोर के. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. अब आगे देखो, यहाँ पर है जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ठीक है, यहाँ पर ये एक टेबल के कुछ नीचे में दिया हुआ है, तो दीज टू लेग्स, तो यहाँ पर ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं. ऐसे ही जो सीजर्स होती है उसके ये एंगल्स एंड ये दोनों एंगल्स क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं. ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये फॉर्म हो रहा है और इधर से ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, दीज ऑल आर एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. Now underline this statement, when two lines intersect, the vertically opposite angles so formed are equal. ठीक है, तो अभी अभी जो हमने काम किया था कुछ इस तरीके से था, तो यहाँ एंगल वन था, ये टू एंड दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर. सो इन दिस केस एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू. ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एंड एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर. क्लियर, नाउ कम टू ट्राई दीज क्वेश्चन नंबर वन. In the given figure, if angle 1 equals to 30 degree and angle 2 equals to angle 2 and 3, find angle 2 and 3. ठीक है,
आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एंगल 3 है और जो 1 है दोनों ही कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 होएगा, सो यू कैन राइट हेयर एंगल 3 एंड एंगल 1 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें कि जो एंगल 3 है वो इक्वल होएगा एंगल 1 के, ओके। सो एंगल 3 हमारे पास कितना है, एंगल 1 है 30 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 3 भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब एंगल 3 और एंगल 2 ये दोनों मिलकर क्या बनाने हैं, लीनियर पेयर। सो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ठीक है। सो एंगल 3 प्लस एंगल 2, यहाँ से एंगल 2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो इट वुड बी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो इट इज़ 150 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोनों आंसर्स मिल गए हैं कि एंगल 1 हो गया 30 डिग्री, ठीक है, और एंगल 3 भी हो गया 130 डिग्री, एंड एंगल 2 हुआ 150 डिग्री।